कैवल्यदाताश्च सशरणागति बब्रह्मण्डनाथाय केशवाय नमः नमः। कले दुख शोकरे रोगरे पूर्ण सात जन्म कटेबा परे से माने जाई पाप मुक्त हुअंती। हरि हरि बोला। जे माने दरिद्र होई काल कटुचंदी एवं जहारो बारंबार देह खराब होची तार कारण कोन एबे बुझिले तो पिता माता गुरुजन को कटु कथा कही आघात देबार कारण। तबे मन ध्यान दे सुनिबे धन कहा को मिले कि मनीष एते अभाव रे काई कि पड़ीची कोटिपति घरे तो धन थाईकरी शांति नाही आउ किछि लोकंक घरे धन बिलकुल नाही कहउजंती लखे रजिले पखे कु नियंत काई कि लखे मास को लखे दरमा किंतु पखे जाउनी पखे कहिले कोन 15 दिन शुक्ल पक्ष 15 दिन कृष्ण पक्ष 15 दिन समाज रे एमिति लोक कथा कहंदी लखे रजिले पखे कु नियंत तबे एमिति काई कि हुए हाकु धन मिले कि शास्त्र कहिले विद्या ददाति विनयम् विनयात जाति पात्रता पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात धर्म ततो सुख। कौन कहिले कले विद्या ददाति विनयम् जे प्रकृतरे विद्या अर्जन करिछि से विनय स्वभाव आउ जे विनय अन्य को भक्ति करे प्रणाम करे सम्मान दिए जा पाखरे विनय स्वभाव नाइ से अहंकार करिवो गर्व करिवो उग्र होई जीवो उग्र स्वभाव कठोर कथा अन्य को कहिवो बुझि परजन कले विद्या ददात विनय पुनि विद्या कह कुआ जाय कले सा विद्या जा विमुक्त जे मुक्ति प्रदान करे से विद्या स्कूल कॉलेज रे जो पाठ पढु त ता विद्या नहि विद्या कहिले जे मुक्ति प्रदान करे किए मुक्ति पाए कपिल देवहूति प्रसंग तृतीय स्कंद भागवत देवहूति माता पचारि देले कहले ए पुत्र कपिल मु तुमको पुओ हिसाब रे पचारुनी मो कोल रे तुम्हें जन्म होइथिले मध्य तुम्हें ईश्वरंकर अवतार अवतार हिसाब रे गुरु ज्ञान करी मा शिष्य होइ तुमको पचारुछि ओहो मुक्ति कहार हुए देहर आत्मार नामनर भगवान कपिल कहिले कहले देहर की मुक्ति देह तो पांस ही जाए देह तो पड़ी जाए पंचभूत रे तयारी शरीर पंचभूत रे मिले ही जाए यार मुक्ति नाही यार आरंभ आउ शेष हुए कहले तबे आत्मार कोन मुक्ति कहले ना आत्मा तो अविनाशी आत्मा तो अक्षुण्ण आत्मा अविनश्वर से सबु बेले से देह भीतर साक्षी स्वरूप रे अछि तांकर मुक्ति दरकार पड़े नै कहले तबे मुक्ति कार दरकार कहले मुक्ति होउछि मनर हरि हरि बोला मुक्ति दरकार मनर ए मन बंधन रे पड़िछि हिंसा ईर्षा परश्रिकातरता अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये मनरे जमांट बांधिछि महिला तन मन को मुक्त करा करबा दरकार तबे जे मन को मुक्ति करिवार विद्या अर्जन करिवो से केमिति जानिबा केमिति लोकटा भलो बोली सेमितिया ना जा पाखरे विनय स्वभाव देखिबो हरि हरि बोला जे विनय हेइथिबो जे गुरुजन को भक्ति करथुबो सम्मान दउथुबो ताकु जानिबो ये प्रकृत रे होउछि विद्वान ये विद्या अर्जन वास्तव विद्या अर्जन करिछि विद्या ददाति विनय कले विनयात याति पात्रता कले जे विनय हो गला विनय स्वभाव कोन प्रदान करे तुमको उपजुक्त पात्र सजेई दिए का पात्र भगवान कर कृपा पाइबार पात्र हरि हरि बोला कले जे पात्र हो गला माने पानी के धरिबा पई पात्र दरकार बिना पात्र रे पानी धरि हबो कि हबो आमे गोडे चाउल गंडे रखिबा दुआरे कोन घंटी रखिबा कि गोडे पात्र दरकार गोडे बस्ता दरकार गोडे ड्रम दरकार तेरु किसी धरवाक गोटे पात्र दरकार तेज गुरु कृपा धरवाक तुम्हें पात्र निजे कृपार पात्र
केतेबेले कृपार पात्र हब ना विद्या अर्जन कला परे विनयी हेई जीव विनयी हेला परे तमे उपयुक्त पात्र हेलो आ पात्र हेला परे कले पात्रत्व धन माप्नोति हरि हरि बोला जे उपयुक्त पात्र धरि रखि जानिबो खर्च करि जानिबो सदुपयोग करि जानिबो ताकु दियंति धन कले धन पाइला परे कले धनात धर्म ततो हो सुख धन रोजगार कला परे भागवत कहिले धन अर्जिन धर्म करि धर्मे प्राप्त नर हरि केशव भक्त जनक बांधव भोलानंद कंद भगवान की कले धनात धर्म ततो सुख धन अर्जिन धर्म करि धर्मे प्राप्त नर हरि जी उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त पात्र विनय स्वभाव विद्वान सी जिते धन रोजगार करे धन टाक मद पी दिए सी धन रोजगार कर धन को बेस्यापड़े खर्च करे ना जी प्रकृत विद्वान सी जिते धनी हो जाए सी ता धन को खर्च करे कौटी आहुरी धनी हवा कौन बेपार लगाए बेपार जे को बेपार भक्त भगवान गोटे बेपार अच्छे सेई व्यापार रे से धन टाकु लगे दी बुझी पार चंदी ना जगत रे धन किए कि कले धनाढ्य बोलिए सोयोले जे नित्य इष्ट धर्म पाले ए दुनिया रे धन किए बोली भागवत सर्टिफाइड कले कले जे निजर इष्टंक पई खर्च करूची धन गुरुंक पई खर्च करूची जगत कल्याण पई खर्च करूची सी वास्तव रे होची धनी कले जगत रे गरीब किए ए जगत रे गरीब किए मो भावे जारो चित्त नाही स्वभावे दरिद्र बोलाई केशव 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 सजिदानंद भगवान कले मो भावे जार चित्त नाही स्वभावे दरिद्र बोलाई प्रभु ठारे जार भाव नाही प्रभु अर्थरे जी खर्च करे नाही सी हूँ वास्तव रे दरिद्र तेणु सुशांत भाई ठाकुर कही बोली हरिवंश बसई बर्षक थे सतसंग एथिरे तांकर किछि लाभ हो न हो गाँ जाकर लाभ जो मैंने श्रवण करुछन्ती हरि कथा तांकर लाभ तेणु परोपकार स्वर्गाय धन रोजगार कली धर्म क्षेत्र रे वर्षक थे खर्च कली सबुदिन न हो वर्षक थे गुरु भक्ति गीता पढ़ी दबो अच्युतानंद महापुरुष गुरु ग्रहण करी वर्षक थे घर को भक्त शिष्य माने आसीबे पत्र पकई अन्न भोजन करिवे सतसंग अटे भक्त मेला एहा कुहुडीले बुढ़ई भेला ये भक्त मानकर मेला एठी करा जीवे बुझि पार्चना कथा तबे सजन वृंद आ मु सियाड को जीवनी मोर जोटा टॉपिक आज वास्तव कहिबा पई मु इच्छा करिछि सेइटा आड को पळै जाउछि जोटा मते लाल मोहन भाई परिचालक महोदय जोटा प्रश्न करले मनीष सुख शांति आनंद काहि कि पाई पारुनी गुरु ग्रहण कला पोरे तबे सजन वृंद तबे कथाटा कोन हेला ना मनीष दरिद्र होवार कारण लक्ष्मी छडा हेबार कारण गुरुजन को भक्ति सम्मान न दबा बुझी पार्चना कथा ठाकुर परा कहिले गुरु वैष्णव अतिथि को सेवा दबारु केबे अनिच्छुकता प्रकाश करिबु नाही सेई 25 नंबर चरम कल्याण दली ततरे कहिले कहले बाबू रे गुरु वैष्णव भिन्न नुहंती गुरुंक सेवा पूजा कले जेउ पुण्य अर्जन होई थाए वैष्णव मानक सम्मानित कले ठीक सेही फल प्राप्त होई थाए तेनु जदि केबे वैष्णव तो गृह को आसंती बा तू सेमानक संस्पर्श रे आसु तेबे श्रद्धा प्रेम ओ भक्ति रे तांको गुरु तुल्य मने करी तांकरि आशीर्वाद ग्रहण करी जदि अहं वशत हो सेमान को हतादर करू बाह्य ज्ञान करू तेबे गुरुद्रोही विष्णुद्रोही पापर विचार रो सम्मुखी नहि जी हरि हरि बोला तनु केते अतिथि को केते दिया जाई छि गुरुत्व आम भागवत शास्त्र कोन कहिले कि सिद्धि पाई कले नारायण को तो सेवा कले लक्ष्मी तम घर को ऑब्वियसली आसीबे किंतु नारायण को भिन्न एक रूप होउचंती मर्त्य वैकुंठ रे से किए अतिथि स्वयं नारायण श्रद्धारे पूजिब चरण केशव 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 भगत जनक
सचिदानंद भगवान की कले अतिथि स्वयं नारायण श्रद्धा पूजीव चरण तेणु अतिथि सेवा करवा दरकार अतिथि सेवा सबुदिन जिते बेले घर को आसबे कि ठाकुर भी कहीदेले आम संस्कृति में किसी पवित्र तिथि सब अच्छे कहले कौ तिथि सेवा पूजा कले कौन मिले कले एकादशी रे पापक्षय हुए अमावास्या रे धनजन वृद्धि हुए संक्रांति रे व्याधिमुक्त हुए पूर्णिमा रे जस ओ ऐश्वर्य मिली थाए द्वादशी रे सेवा पूजा कले गोलक रे स्थान मिले हरि हरि बोल ये सब विधि व्यवस्था ठाकुर लिखी देखते चरम पुस्तक तेणु सजन वृंद जदि गुरु आज्ञा को न पालिबा गुरु कृपा पाइबा किपरि जीवन रे सुख शांति आनंद प्राप्त करिबा किपरि ये सब गुड़ी कहूँ तांकर कोर्स ठाकुर बुझी पार्टी ना तुम छात्र विद्यार्थी ये कोर्स पास करिया को पड़ो गोटे मेट्रिक पिला छा विषय पास कले जाए पास गणित शहे रखी थो इंग्लीश कोड़े रखी पास कर कि सबुति पास होगा दरकार तेणु गुरु जो जो आज्ञा दे खाली सकाळे संजे धारा करदे हबनी सतसंग आसी बसिले हबनी सतसंग तो बहुत लोक बसुचार आज कल रास्त जाऊ गोटे लोक मोटरसाइकेल कौन हूँ अटकी देखला अटकी गला सी भी जापारानी बस पड़ा कि धर्मर सौदा सी घर को धरिकी गला जहा ताना तेना अभ्यास बहुत लोकंर अच्छी सतसंग करवा कि गुरु आज्ञा पालन करती ना अभ्यास तो चा पीवा अभ्यास पान खाइबा अभ्यास सिगरेट टाणी अभ्यास गंजे का अभ्यास मद कार अभ्यास एमती अनेक लोक अनेक प्रकार अभ्यास कर सबुदे सन्ध्या सतटे पिए दिने नौटा बाजिगला चाह मिललानी सी अलग लोकटी कहूँ मो मुंड आज बिंधुची से पचारा कौन पर मुंड बिंधुची कहला आज सतटा बेलू चाह टे पिए सन्ध्या बेले चाह टे मिललानी कहे हो चाह पीले तुम मुंड बिंधा बंद हुए तेज सजन वृंद ये जहाँ मुंड बिंधु थोड़ा कौन औषध बतईवा चाह पिय मुंडा को औषध कौन चाह तेज ये की कथा ना तुम अभ्यास करस डेली डेली पी तुम चाह न पीले मुंड बिंधुच अभ्यास माँ पेटर धरिक आसतिल ना भगवान शास्त्र लिखी सतटा बेल को चाह पीब तुम्हें तुम अभ्यास कर पेटर किए गंजे टाणी शिखिक आसला एटिक आसला शिखी ना तेणु अनेक लोक अनेक प्रकार अभ्यास पड़ी तेणु आमर सतसंग को जी गोटे अभ्यास तेणु अभ्यास पड़ी बोली मन कर सतसंग पल आसली कि गुरु जिते प्रकार आज्ञा अच्छी पालन करी ना तेरे ये अभ्यास फल कौन मिल आज्ञा अभ्यास फल कौन मिल मोबाइल चार्ज टा गेंजा है कौधे इलेक्ट्रिक बोर्ड रे मोबाइल रे लगी मोबाइल चार्जर खोली देला बेलू स्विच ऑफ हो जा जेपर्यंत लगी रही चार्ज अच्छी चार्जर खोली देला मात्र स्विच ऑफ हो जा बुझा को पड़ो बैटरी खराब कौन बुझा पड़ो बैटरी खराब है तेणु सतसंग को आसिले मन कन कन छन छन आ विपिनी भाई बढ़िया कहले कि घर को गला हौनी चार्ज छड़े देला मात्र स्विच ऑफ बुझी पार्टी ना क्या तेनु गुरु आज्ञा को जिते बड़े कड़ाकड़ी भाव में पालन कर चार्ज फुल बैटरी खराब हबार ना बैटेरी खराब हम ना तेणु गुरु आज्ञा को कड़ाकड़ी भाव में पालन करवा दरकार तेणु सजन वृंद अतिथि सेवा न करू मनीष आज कोटिपति लक्षपति जिते रोजगार कले भी ता जीवन में अभाव रही टार अभाव नई पारे शांति अभाव रही एसी घरे ग्रीष्म ऋतु रक्षा पाया एसी टे फिटिंग कर लगे लाभ कौन एसी टा सीना ऊपर चमड़ा को ठंडा कर दबो किंतु भितरे जो अशांतिर निया जलुची ताकू तो एसी ठंडा करी परिबनी बुझी पार्टी ना कथा तबे अतिथि सेवा ठाकुर अतिथि की देले केते गुरुत्व आ जगन्नाथ दास भागवत कहिले अतिथि स्वयं नारायण श्रद्धा पूजी वचरण ठाकुर एक नंबर कल्याण दे भाई भौनी माने पढ़ी कि नहीं मन पढ़ु कले गुरु ब्राह्मण वैष्णव अतिथि को उपयुक्त सम्मान सह जी सत्कार न करे से ब्रह्म हत्या पापर भागीदार हुए अतिथि मानक प्रति जी छलनापूर्ण व्यवहार करे ताकु ब्रह्म हत्या पापर फल भोग करिबा तु पड़े अतिथि हौ नारायण आउ गोटे रूप
तेणु कलीजुगर मनीष अतिथि सेवा कलीजुगर दौंट कले अतिथि की छलना कर गोटे उदाहरण दूसरी मन दे कि शुणुना अतिथि की केमी छलना करती माँ बापा को खावाक न देवाई टाउन जा पुओ झी को पाठ पढ़ा बाहन भड़ा घरे रही पुओ बो बुझिपाल ना भड़ा घरे जिते रही मामू कौन कर मामू कहले भणजा मोर जदि अच्छी टाउन मो देहटा टी खराब अच्छी एंडोस्कोपी करा पड़ो आ जाऊे भणजा क्वार्टर को जा कि दिने कि दीदिन ताखे रहीकि देहटा ठीक करसबी मामू जो पल आसिले भणजार मामू प्रति स्नेह अच्छी कि भाणीजी बोहूर ना ता बाप घर लोक को सी जेटे भल पाए स्वामी बाप घर बंधु बांधव को से भल पाए यहाँ गोटे रीति बुझिपारा कलीजुग मनीषर कलीर प्रभाव रीति तेणु है कौन छोट छुआटा अष्टम श्रेणी में पाठ पढ़ुची ताकू माँ शिखेदेला कहला तू आज स्कूल जीवन कहला मु स्कूल कहीं जीवन मो पाठ पढ़ा बंद हो चुप कर स्कूल जीवन माँ केड़े दुष्टा नारी पिलार पाठ पढ़ा मन अच्छे स्कूल छाड़ कहला अजा जो आसी ना कि चारिपटे तू खेले खाली आज दिन जाक मोटे स्कूल जीवन तापर कौन हवा कथा मुझे छुआ खेल अजा चारिपट जाक अजा भी बेस पाठ पढ़ी ना कि शिक्षित लोक धर्मपरायण लोक संवेदनशील मनीष कहीदे कहले कि नाती आज तोर स्कूल ना कि कहला मो एति कहला माँ रोसे घर सी कौन टा कह शुण मामू कथा कौन कि बंधु बांधव आसिले एगुडा एमती दुष्टामी करती ए छुआ आ स्कूल जीवा को इच्छा करती बंधु बांधव आसिले ना आउ सब तार ठीक ठाक तमें आम घर शीघ्र जाओ बोली न कही एमती कहीदे माने तमें अच्छा बोली मो पुआर पाठ पढ़ा जी हांपर है हेडु ये तो भल अतिथि जनक कहला अरे या घरे मु रही यार कहीं क्षति करी या पु पाठ पढ़ा जाऊनी या घरे मु अच्छी बोली जाऊँ से आलु बेपारी आम गाँव रे भी टाउन रे रोज पचे के पाखे दीदिन रही या घरे आउ रही अतिथि की छलना कर बुझिपार ना कथा ठाकुर एक नंबर चरम कल्याण दे तेरे कहले अतिथि मानक प्रति जी छलना पूर्ण व्यवहार करे ब्रह्म हत्या पापर फल भोग पड़े अतिथि की छलना ये तो गोटे प्रकार छलना आउ कि छलना लोक करती जान जमीन पीपसा आसी रहीगले तीन चार दिन स्त्री कहते स्वामी कि आगो तुम पीसा एडे भल खाइला वाला ना भल रोष कर देली बोली तीन दिन है गोटे जाऊना ये भी थिला कहला आज तोड़ व्यवस्था करवा कि हाँ कहले कौन करा कहला ता चोर मोर खाली मिछी मिछिका झगड़ा करा छलना दिज जाक तुमूल संघर्ष कले तू एम सीए कहला तू एमती झगड़ा कले झगड़ा करते घंटाए बीतीगला ता स्त्री खाली कांदा लुह गड़ी तो अभिनय जे सत सतिका कांदापे पीऊसा कहले ना रे भाई या घरे आ रही बार ना ये तो कौन एत जोर झगड़ा कले बारटा खंडे बाजिगला पुआ आसिक कहला बापा आज बेला बाकू खाइबानी कि मध्यान भोजन कहले तो माँ तो कांदी कांदी शोला रोसे कर सका खाई कौन तो पेट जलिला के खाऊ बंधु को देख कारण पीसा बेसी बेसी टी खाते तेणु पीसा सांगे सांगे कहले कौन कहले यांकर तो झगड़ा हेले आ रही कौन हम ये तापरे बेडिंग बिस्तर धरी लुगा गामुछा धरिक आगे बाहर को बाहर ये कि भारी चलाके ये दस नंबरी हेले से बार नंबरी जाकर बाहर ढड़ा होती बड पाटे होठो ओठो हो स्वामी स्त्री हसिले कहे कौन हसुच्च तो पुणी ये झगड़ा करुले कहले किलो एत बेला जाए कांदुचु कहीं कौन तते सतसतिका गाड़ी दौली कहले हे मु कौन सतसतिका कांदुली तापर तो पीऊसा बाहर शुणी देखी भितर को आस कह मु सतसतिका जाइनी हरे हरे बोला बुझिपार कथा ये हूँ कलीजुगर व्यवहार आउ आचरण तेणु ठाकुर मोर कहले अतिथि की केवे छलना पूर्ण व्यवहार कर कौन पाई भागवत कहीदेले अतिथि होइले निराश सकल धर्म हुए नाश केशव 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 भक्त
भगत जनक बांधव बोल सचिदानंद चरमनाथ की कले अतिथि होइले निराश सकल धर्म हुए नाश तुम घर जदि अतिथि मन दुख रे फेरी गले निराश नैराश्य भाव अनुभव कले तबे तुमे जहा पुण्य अर्जन करितिबो सकल धर्म नाश होइजी तबे सजन वृंद ठाकुर से 21 नंबर चरम कल्याण देली ततरे कहिले कले निजर वैभव धन संपत्ति विद्या संपद बाहुबल अहंकार रे अंध होई जी अतिथि मान को अवमानना करे सी ब्रह्म हत्याकारी भाव रे विवेचित हरि हरि बोल माने मनीष मारी देले जति की पाप अतिथि के निराश करी घर बाहुडेई देले सेति की पाप कथाटा उपरे उपरे सुनुचंदि ना भीतर को किछि जाउछि गुरु आज्ञा जे गुरुंक कथा को जदि गुरुत्व न दिया जाए जीवन रे जहा अर्जन करथिले भी सफलता ना तेन मन ध्यान दे कथा को श्रवण करिवे हत्याकारी गोटे उदाहरण दउछि बंधु वत्सलता कलि युग रे केमिति पर उपकार केमिति भागवत कले धन्य जीवन ए जगते जे प्राण धरे परोहिते ठाकुर भी लिखिचंदी कले भाई दाऊ रे भाई आज भूलुंठित जदि परस्पर परस्पर को साहाज्य सहयोग करंते तबे साम्यवाद प्रतिष्ठा हुंता साहाज्य करिबा कथा टंका पैसा दूरे दाऊ कलि युगर मनीष केमिति पानी मुंदे दिएनी शुणु नाहंती गोटे कथा उदाहरण दे कहूची